हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC38 न्यू सिलेबस के लाइव सेक्शन का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इसमें हम तरह तरह की जो लाइफ इंश्योरेंस है उनके बारे में जानेंगे। लाइफ इंश्योरेंस डजंट ओनली प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स प्री मेच्योर डेथ बट ऑल्सो हैज मैनी मोर अदर एप्लीकेशंस। या सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ किसी भी इंडिविजुअल को प्री मेच्योर डेथ से ही नहीं बचाती, बल्कि इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, या फिर जिन्हें हम एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। और आज हम मेनली 3 एप्लीकेशंस की बात करेंगे, जिनसे कि क्वेश्चंस जो हैं बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो है मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874, जिसे कि MWP एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है कीमेंस इंश्योरेंस और तीसरा है मॉर्गेज रिडेंशन इंश्योरेंस, जिसे कि MRI भी कहा जाता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे MWP यानी कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टीज एक्ट की। देखिए, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट एक तरह की फीचर है जो कि किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में आप ऐड करवा सकते हैं। दरअसल ये एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें कि ये कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल जो पॉलिसी खरीदता है और अपनी पॉलिसी को अगर वो MWP एक्ट के अंडर एक्टिव करवाता है, तो उस पॉलिसी पर सिर्फ उसकी वाइफ और उसके बच्चों का ही अधिकार होगा, उस लाइफ इंश्योर्ड का भी कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, चलिए, अगर ये नहीं समझ आया तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ और फिर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, सपोज कोई बंदा है ए, ठीक है, अब उसने अपना बिजनेस करना है, तो अब वो बिजनेस के लिए जो है बैंक से या किसी भी और क्रेडिटर के थ्रू लोन लेता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब वो लोन लेगा तो उसे अपनी प्रॉपर्टी या जो अपना घर है वो गारंटी के तौर पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई कि वो जो ए पर्सन था वो लोन वापस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो बैंक है या जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उसे लोन दिया था, वो उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए कि कभी हमने सोचा है या हम जैसे न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं कि फला फला कोई पर्सन था और उसका वो बैंक करप्ट हो गया और उसके जो भी बैंक अकाउंट्स थे या लॉकर्स थे उनको सील कर लिया गया, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सील कर लिया गया, तो कभी मन में ये आता है कि उसकी वाइफ और बच्चों का क्या होगा? तो देखिए, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ही ये MWP एक्ट काम करता है। इसमें क्या है कि अगर हमने कोई पॉलिसी खरीदी है और उसे हमने MWP एक्ट के अंदर एक्टिव करवाया है, तो इस पॉलिसी में जो भी बेनिफिट्स होंगे, या वो मेच्योरिटी बेनिफिट हो चाहे फिर वो क्लेम बेनिफिट्स हो, उन पर सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड की वाइफ और बच्चों का ही अधिकार होगा, उस लाइफ इंश्योर्ड का भी उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। और ऐसी पॉलिसीज में फिर ट्रस्ट बना दिया जाता है। ठीक है, तो अब आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके बेनिफिट जो है वो सिर्फ इंश्योर्ड की वाइफ और उसके बच्चों के लिए होते हैं। ठीक है ना, तो अब इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले तो मैं आपको इसके फीचर्स बताती हूँ, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन की भी बात करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए, MWP एक्ट जो है ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी बेनिफिट्स अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू द वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड ऑल्सो प्रोवाइड क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपने एक और बात याद रखनी है कि इस पॉलिसी में एक सेपरेट ट्रस्ट तो बनेगा ही, और जो ट्रस्टी है वो वाइफ भी बन सकती है, बच्चे भी बन सकते हैं, पर बच्चों की जो एज है वो 18 से अबव होनी चाहिए, या फिर दोनों बन सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भी क्लेम मनी मिलेगी या फिर जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो सिर्फ ट्रस्टी को ही जाएगा। ठीक है, ये पॉलिसी ऐसी है जिसे ना तो हम सरेंडर करवा सकते हैं, ना ही नॉमिनेट करवा सकते हैं, और ना ही असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसमें एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि अगर पॉलिसी होल्डर जब उसने पॉलिसी खरीदी और MWP एक्ट के अंडर उसने अपनी पॉलिसी को करवाया
और उसने उस टाइम पर कोई स्पेशल ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया, मतलब उसने अपनी वाइफ या बच्चों को ट्रस्टी नहीं बनाया है सुपोज, ठीक है, तो क्या होता है, तो सरकार एक स्पेशल जो ट्रस्टी है वो अपॉइंट कर देती है और फिर जो उस पॉलिसी के अंडर जितने भी बेनिफिट्स होंगे वो उस ट्रस्टी को जाएंगे और फिर वो उस ट्रस्टी के थ्रू उसकी वाइफ और बच्चों तक जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि इस MWP एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं उनमें कॉमनली ये पूछा जाता है कि जो इसके बेनिफिट्स हैं वो किसे मिलेंगे, लाइफ इंश्योर्ड को मिलेंगे या उसकी वाइफ को मिलेंगे तो या फिर ट्रस्टी को मिलेंगे। तो देखिए उसमें वाइफ भी लिखा है, इंश्योर्ड भी लिखा है, ट्रस्टी भी लिखा है। अभी उसमें हमें ये नहीं बताया गया कि उसकी वाइफ ट्रस्टी है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर है, जो भी बेनिफिट्स हैं वो जाएंगे किसे, ट्रस्टी को, ठीक है ना। अब वो ट्रस्टी उसके बच्चे भी हो सकते हैं, उसकी वाइफ भी हो सकती है या फिर कोई ऑफिशियल ट्रस्टी भी हो सकता है। तो इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो ट्रस्टी को ही जाएंगे और फिर वो ट्रस्टी अगर कोई और है तो फिर वो उसके थ्रू जो है उसकी वाइफ और बच्चों तक जाएंगे, ठीक है ना। और इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिसी MWP एक्ट के अंडर आएगी उसके बेनिफिट उसके इंश्योर्ड को भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। और भी इसी से रिलेटेड, मतलब मेनली आपने ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। दूसरी इंश्योरेंस की एप्लीकेशन है कीमैन इंश्योरेंस। अब कीमैन इंश्योरेंस एक स्पेशली डिजाइंड बिजनेस इंश्योरेंस है, ठीक है। ये बेसिकली बिजनेस पर्सन के लिए बनाई जाती है। अब यहाँ पे मैंने बिजनेस पर्सन कहा या फिर हम कह सकते हैं कीमैन, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक कीमैन क्या होता है, ठीक है। अब कीमैन एक ऐसा की पर्सन है या मेन पर्सन है जो कि बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करता है और उसके जो लॉसेस हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये जो की पर्सन है या की मैन है वो डायरेक्टर भी हो सकता है कंपनी का, या कोई पार्टनर भी हो सकता है, या फिर कोई और ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है या फिर बिजनेस उसे डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है, तो उसे हम कीमैन इंश्योरेंस कहेंगे। अब कीमैन इंश्योरेंस जो है ये एक प्रकार की टर्म इंश्योरेंस होती है और इसमें जो भी सम अश्योर्ड के बेनिफिट्स होंगे वो डायरेक्टली लिंक होंगे कंपनी के साथ, यानी कि जो भी इस इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं वो कंपनी को ही लिंक किए जाएंगे। जो की पर्सन है इसका बेनिफिट उसे पर्सनली नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ये स्पेशली बनाई गई है ओनली फॉर द लॉसेस रिलेटेड टू द बिजनेस, ठीक है, तो इसे आप की मैन इंश्योरेंस कहेंगे। और जो इसकी तीसरी एप्लीकेशन है मॉर्गेज रिडेंशन इंश्योरेंस, या फिर इसे हम शॉर्ट फॉर्म में MRI भी कहते हैं। अब ये स्पेशली डिजाइंड इंश्योरेंस है फॉर होम लोन बोरोवर्स, यानी कि जो लोग होम लोन बोरो करते हैं उनके लिए ये स्पेशली डिजाइन की गई है, ठीक है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज कोई पर्सन है ए और ये एक घर खरीदता है, ठीक है। अब जब इसने घर खरीदा तो इसने वो खरीदा थ्रू होम लोन। अब जब हम होम लोन लेते हैं तो जब तक हमारा होम लोन चलता रहता है, सपोज 10 साल या 20 साल, तब तक हमारा घर जो है वो बैंक के पास गिरवी पड़ा रहता है, ठीक है, यानी कि हमारा घर बैंक के पास मॉर्गेज रहेगा, ठीक है। तो जो ये पर्सन है जिसने ये घर खरीदा है और इसने होम लोन करवा लिया, अब जब इसने होम लोन करवाया तो हर महीने इसकी एक EMI सेट कर दी गई और ये हर महीने पैसा कमा रहा है और बैंक की EMI जो है वो भर रहा है, ठीक है। अब सपोज इसे उस 20 साल के दौरान अगर इसे कुछ हो जाता है तो कोई भी बैंक जो है वो इसके परिवार को वो घर नहीं देगा रहने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में या ऐसी मुसीबत से कैसे डील किया जाए, उसी के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है मॉर्गेज रिटेंशन इंश्योरेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब EMI सेट की गई तो साथ में आपने मॉर्गेज इंश्योरेंस भी करवा ली, ठीक है, तो EMI के साथ ही इसका प्रीमियम भी साथ में ही जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, जैसे जैसे EMI चलती जाएगी मॉर्गेज इंश्योरेंस का प्रीमियम भी चलता जाएगा, और इन केस जो पूरी टर्म है 20 साल की टर्म है सपोज, उसके दौरान
अगर इस पर्सन को कुछ हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बैंक को जितना भी इसका रिमेनिंग लोन है वो पे कर देगी और जो घर है वो इसके परिवार को मिल जाएगा। यही बेसिकली मॉर्गेज रिडेंशन इंश्योरेंस का बेनिफिट है। ठीक है, तो अब इसमें ये बेनिफिट हो गया कि अगर पर्सन को कुछ हो गया है ना, तो जितना भी लोन बचा हुआ है वो सारा का सारा कंपनी बैंक को दे देगी। अब इसमें एक और फीचर ये है कि इस इंश्योरेंस में स्टार्टिंग इयर्स में तो इस इंश्योरेंस की जो प्रीमियम बनता है वो ज्यादा होता है, ठीक है ना, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इसका प्रीमियम कम हो जाता है, क्योंकि जो पर्सन है अगर वो जीवित है और कमा के ईएमआई भर रहा है, साथ में प्रीमियम भी भर रहा है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा बैंक का लोन कम होता जाएगा, ठीक है ना, तो उसी तरह से इसका जो प्रीमियम है वो भी कम होता जाएगा, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम होता जाएगा। तो इसका जो दूसरा फीचर वो बेसिकली ये है कि ये एक प्रकार की डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस होती है, और इस इंश्योरेंस को लोन प्रोटेक्टर पॉलिसी भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मॉर्गेज रिडेंशन इंश्योरेंस है ये स्पेशली किसके लिए बनाई गई है, होम लोन बोरोअर्स के लिए बनाई गई है, या फिर इसे लोन प्रोटेक्टर पॉलिसी भी कहा जाता है। तो ये इस चैप्टर में हमने तीन मेजर एप्लीकेशंस की लाइफ इंश्योरेंस की जो हमने वो की है। लेट्स स्टार्ट विद द सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मॉर्गेज रिडेंशन इंश्योरेंस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मॉर्गेज इंश्योरेंस का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। तो अभी मैंने बात की कि जो मॉर्गेज इंश्योरेंस है ये किन लोगों के लिए है, तो वो होती है भाई होम लोन बोरोअर्स के लिए। तो ढूंढिए फटाफट से सही ऑप्शन क्या है। बिल्कुल सही, ये है सेकंड ऑप्शन, प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फॉर होम लोन बोरोअर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्गेज रिडेंशन इंश्योरेंस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर, मॉर्गेज इंश्योरेंस को आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। तो बिल्कुल सही, ये डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस रहती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिक्रीजिंग टर्म लाइफ इंश्योरेंस। देन क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द बिलो लॉसेज आर कवर्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस। की मैन इंश्योरेंस में कौन से लॉसेज कवर होंगे। ऑप्शन फर्स्ट है प्रॉपर्टी थेफ्ट, यानी कि प्रॉपर्टी में चोरी हो गई। सेकेंड है लॉसेज रिलेटेड टू एक्सटेंडेड पीरियड व्हेन द की पर्सन इज अनेबल टू वर्क। अब ये ऑप्शन कह रही है कि जो की पर्सन है वो काम करने लायक नहीं रहा, तो जो उसके बिजनेस को लॉसेज होंगे उनको कवर किया जाएगा। देन जनरल लाइबिलिटीज, मतलब उसकी जो अपनी लाइबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं। देन लॉसेज कॉज ड्यू टू एरर और ओमिशन, कि भाई कुछ गलतियां हो गई हैं, गड़बड़ियां हो गई हैं, उनसे जो लॉसेज आए हैं उनको यह कवर करेगा। तो इसकी सही ऑप्शन क्या होगी, ऑप्शन बी, कि जो की पर्सन है अगर वो काम करने लायक नहीं रहता है तब जो बिजनेस में लॉसेज होंगे की मैन इंश्योरेंस उनको कवर करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉलिसी इज इफेक्टेड अंडर MWP एक्ट। एक पॉलिसी है वो MWP एक्ट के अंडर इफेक्टिव है। इफ द पॉलिसी होल्डर डजंट अपॉइंट अ स्पेशल ट्रस्टी टू रिसीव एंड एडमिनिस्टर द बेनिफिट्स अंडर पॉलिसी, द सम सिक्योर्ड अंडर पॉलिसी बिकम्स पेएबल टू द। अब ये कह रहे हैं कि पॉलिसी होल्डर ने कोई अपॉइंट ही नहीं अपॉइंट किया है ना, तो जो सम सिक्योर्ड होगा या जो बेनिफिट्स होंगे पॉलिसी के वो किसे पेएबल होंगे। चेक करते हैं ऑप्शंस में, नेक्स्ट ऑफ द किन, यानी कि उसके रिश्तेदार, देन ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट, कि जो स्टेट जो ऑफिशियल ट्रस्टी अपॉइंट करेगी उसे, देन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड। तो जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अगर स्पेशल ट्रस्टी अपॉइंट नहीं किया जाता तो स्पेशल ट्रस्टी जो है वो स्टेट या फिर सरकार ही अपॉइंट कर देती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑफिशियल ट्रस्टी ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश रैन अ बिजनेस ऑन द बोरोड कैपिटल, कि महेश जो है वो अपना बिजनेस चलाता है उधार लिए हुए पैसे पे।
After his sudden demise, all the creditors are doing their best to go after Mahesh's assets. और अगर उसके बिजनेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो जितने भी लेनदार हैं वो सभी के सभी महेश की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करना चाहेंगे. Which of the below asset is beyond the reach of creditors? अब आपको बताना है कि कौन सा नीचे दिए गए assets में से ऐसा asset है जिन पर creditors जो हैं अपना कब्जा नहीं कर सकते. या हम ये भी कह सकते हैं कि creditors की पहुंच से वो बाहर है, कौन सा ऐसा असेट है. पहला है प्रॉपर्टी अंडर महेश नेम, कि जो प्रॉपर्टी महेश के नाम पर थी उस पे, तो उस पर तो भाई ये क्रेडिटर या लेनदार कब्जा करेंगे ही. देन महेश बैंक अकाउंट, ये भी अफेक्टेड होंगे. सी ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट. तो बिल्कुल सही, यही इसका सही ऑप्शन है कि जो महेश ने पॉलिसी खरीदी थी और उसको इफेक्टिव करवाया था MWP एक्ट के अंडर, तो उस पर सिर्फ उसकी वाइफ और बच्चों का ही अधिकार रहता है और किसी का कोई अधिकार नहीं होगा, इवन महेश का भी. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू विद रिगार्ड टू MWP एक्ट केसेस. आपको बताना है कि MWP एक्ट के रिगार्डिंग कुछ केसेस दिए गए हैं और उनमें से सही ऑप्शन क्या है. नीचे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी इनमें से ट्रू है. पहली स्टेटमेंट है मैच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू द पॉलिसी होल्डर्स, कि जो पॉलिसी है उसकी मैच्योरिटी हो गई और मैच्योरिटी के जो चेक्स हैं उनको दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर को. सेकेंड ऑप्शन कह रही है मैच्योरिटी क्लेम चेक्स आर पेड टू ट्रस्टी, कि जो मैच्योरिटी क्लेम चेक्स हैं वो किसे पेड होंगे, ट्रस्टी को. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि MWP एक्ट के अंडर जितने भी बेनिफिट्स होंगे, चाहे वो मैच्योरिटी के हैं चाहे वो डेथ क्लेम के हैं, वो किसे पेएबल होंगे, वो सिर्फ ट्रस्टी को ही पेएबल होंगे. तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंड वाली स्टेटमेंट ट्रू है. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द बिलो ऑप्शन इज ट्रू विद रिगार्ड टू MWP एक्ट केसेस. स्टेटमेंट वन, डेथ क्लेम्स आर सेटल्ड इन फेवर ऑफ नॉमिनी, देन डेथ क्लेम्स आर सेटल्ड इन फेवर ऑफ ट्रस्टी. तो जैसा कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, इसका भी जो सही वाली स्टेटमेंट है वो सेकेंड है. तो चुनिए कहां पे है वो, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी है. जो डेथ क्लेम्स होंगे वो किसके फेवर में सेटल होंगे, ट्रस्टी के फेवर में. MWP एक्ट केसेस में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें ध्यान रखना है जितने भी बेनिफिट्स हैं वो ट्रस्टी के फेवर में ही पेएबल होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय पेज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिज एम्प्लॉयज. Which of the below insurance premium will not be treated deductible as a compensation paid to employees? अब ये अजय है जिसने insurance premium pay करता है ये अपने employees के लिए. अब आपको बताना है कि जो नीचे दी गई option है, दो options दी गई हैं, option statements दी गई हैं. अब आपने बताना है कि इनमें जो premium है या जो compensation मिलेगा वो एम्प्लॉयज को नहीं दिया जाएगा, और इन स्टेटमेंट्स में से चुनना है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है. हेल्थ इंश्योरेंस विद द बेनिफिट्स पेएबल टू एम्प्लॉयज, तो भाई अगर अजय अपने एम्प्लॉयज के लिए प्रीमियम पे कर रहा था तो हेल्थ इंश्योरेंस तो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में आएगी, तो उसके तो बेनिफिट्स मिलेंगे एम्प्लॉयज को. और सेकेंड ऑप्शन है कीम एंड लाइफ इंश्योरेंस विद द बेनिफिट्स पेएबल टू अजय, पर जो की मैन इंश्योरेंस होती है ये कौन करवाता है, की पर्सन करवाता है अपने बिजनेस के लिए, तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वे एम्प्लॉयज को नहीं जाएंगे, वो पेएबल होंगे अजय को ही. तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है और इसका जो आंसर है सही वाला वो भी है बी, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट टू द बोरोअर्स हु प्लेज देयर प्रॉपर्टी एज अ कोलेट्रल बट लिविंग देम इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड. अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि एक प्रथा है
जिसमें आप अपना प्रॉपर्टी को किसी के पास गिरवी रख देते हैं और फिर पैसा देकर उसे छुड़वा लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं मॉर्टगेज। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ द पॉलिसी इज एंडोर्स्ड अंडर MWP एक्ट देन द बेनिफिशरीज आर वाइफ एंड डैश। आपको बताना है कि अगर जो पॉलिसी है वो MWP एक्ट के अंडर ली गई है तो उस पॉलिसी में जो बेनिफिशरीज होंगे वो वाइफ के साथ दूसरा कौन होगा। तो ऑप्शंस दी गई हैं चिल्ड्रन, पेरेंट्स, पेरेंट्स इन लॉज एंड पॉलिसी होल्डर इट्सेल्फ। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने पीछे बात की MWP एक्ट के बारे में, तो अगर पॉलिसी MWP एक्ट के अंडर एंडोर्स की गई है तो जो बेनिफिशियरी होंगे वो पॉलिसी होल्डर के वाइफ और बच्चे होंगे सिर्फ, और कोई भी नहीं, वो खुद भी नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम अशोर्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस इज जनरली लिंक्ड टू डैश। आपको बताना है कि जो की मैन इंश्योरेंस होती है उसमें सम अशोर्ड की वैल्यू किस बात पर निर्भर करती है। तो ऑप्शंस दी गई हैं बिजनेस एक्सपेंडिचर, प्रीमियम, बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी और लास्ट ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, जो की मैन इंश्योरेंस होती है उसमें जो सम अशोर्ड डिक्लेयर किया जाता है ना, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो बिजनेस है उसमें कितना फ़ायदा हो रहा है, उसी के हिसाब से फिर उन्हें सम अशोर्ड जो है वो दिया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो है बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक है बोनस क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है, विच ऑफ द बिलो पॉलिसी कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू होम लोन बोरोअर्स। आपको बताना है कि जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं इनमें से ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो होम लोन लेने वालों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑप्शंस हैं लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, मॉर्टगेज रिडेम्पशन इंश्योरेंस और लास्ट ऑप्शन है जनरल इंश्योरेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।